हाय गाइस, तो जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मैंने ग्लास पेंटिंग की थी और वही कलर्स बच गए थे, तो मैंने एक कांच की बोतल ढूंढ निकाली और उस पर मैंने कुछ डिज़ाइन और कलर्स फिल करने स्टार्ट कर दिए, जिसका प्रोसीडियर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसी दिन शाम को मेरा प्लान बन गया कि मैं पार्लर जाऊँ। तो फेब के बाद ये फर्स्ट टाइम था जो मैं पार्लर जा रही थी और कुछ करवा रही थी अपने फेस पे। आईब्रोज के लिए जाती रहती थी, लेकिन कभी भी मैंने क्लीन अप वगैरह नहीं कराया फेब के बाद। इस बीच में कराते वक्त तो नहीं पता लगा, लेकिन मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई है, जिसकी पिक्चर वीडियो के लास्ट में है। छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ही, नहीं तो मेरा पूरा गाल उड़ जाएगा। उस तरफ से उठाना, मतलब इस तरफ आते हैं। आराम से उठाना, थोड़ा सा देख के पायल भी खुश हो गई। मेरे से ज्यादा उसको शौक था कि मैं ये सब यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल हैं निकाल लूं। निकला, इतने छोटे हैं ना, वो निकलते ही नहीं है। मेकअप करो तो सिर्फ ऐसे मूछ ही दिखता है, थ्रेडिंग करना पड़ता है थोड़ा। थ्रेडिंग में कर डाल वाला हो जाता है। एक मिनट पे चढ़ जा रहे हो गया तो नहीं तो शेजु कर लग रही है। नहीं लग रही है, नहीं तो दिख गया। आईब्रो से ज्यादा लगती है इसमें। हो गया, हो गया देखो। तो फाइनली जो मैं कराने गई थी वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि क्लीन अप। सबसे पहले उन्होंने मेरे फेस पे एक क्लेंजर लगाया है। सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है वो, क्योंकि जो मुझे सूट करता है मैं वही यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे स्क्रबिंग करनी स्टार्ट की है, और फिर उसके बाद उन्होंने एलोवेरा जेल से मसाज की है, फिर उन्होंने एक फेशियल क्रीम से भी मसाज किया है जिसकी क्लिप मैं नहीं डाल पाई, और लास्टली एक फेस पैक होता है जो मैंने घर में आके लगाया, मैं वहाँ पे नहीं लगा पाई क्योंकि बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था और लेट हो गया था, रात का टाइम था। तो टोटल मुझे 200 रुपीस लगे थे, 154 क्लीन अप और 54 वैक्सिंग। Thank you.
और मैं वहाँ पे गई हुई थी सुबह से, और हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, पूजा की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मैं इतने सारे लोगों के बीच में कैप्चर नहीं कर पाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं गई थी पार्लर और मैंने फेस पे वैक्स कराई थी। मैंने फर्स्ट टाइम फेस पे वैक्स कराई है, मैंने कभी इससे पहले फेस पे वैक्स नहीं कराई। मैंने थ्रेडिंग भी कभी लाइक आईब्रो छोड़ के कहीं और नहीं कराई। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आईब्रो कराया था तो इतना मुझे पता नहीं लगा कि लाइक पिम्पल वगैरह निकलते हैं, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइक लास्ट ईयर मैंने अपर लिप कराया था, जबकि मेरे इतने फेशियल हेयर्स हैं नहीं, बट जब मैं मेकअप करती हूँ तो क्या होता है कि मेकअप करने में इतनी स्मूथ फिनिशिंग नहीं आती। जब आप बेस लगाते हो फाउंडेशन वगैरह तो इतनी स्मूथ फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपर लिप करा लूँ। लास्ट ईयर तो जब कराया था तभी भी ऐसे बहुत छोटे 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 जो पिंपल हो गए थे, क्योंकि वो हेयर्स नहीं थे एक्चुअली वो पीच फर्स थे जो रोहे होते हैं, तो उनको निकालने के बाद जब वो पिंपल हो गए थे तो मैं बहुत डर गई थी कि हे भगवान अब मेरे फेस के साथ क्या हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि फर्स्ट टाइम कराओ तो ऐसे पिंपल आते ही हैं, अगर आप आईब्रो में भी फर्स्ट टाइम ऐसे कराओगे तो पिंपल्स आते ही हैं। जबकि आईब्रो के टाइम में मुझे इतना ध्यान नहीं था कि पिंपल आए थे नहीं आए थे, लेकिन अपर लिप के टाइम में मुझे बिल्कुल याद था कि अच्छे से यहाँ पे लाइक दाने दाने निकल गए थे, और ऐसे ही कुछ फेशियल हेयर्स के साथ यहाँ पे जो पीच फर्स होते उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। और यहाँ पे एक बैड डिसीजन था कि मैंने पूजा के पहले करा लिया, बट आई थिंक अष्टमी तक ये ठीक हो जाएगा। और आज है 6th डे, पंचमी के बाद वाला दिन, तो आज आई थिंक 2-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। मैंने लाइक मेरे पास एक मेडिसिन भी है जिसको लगाने से पिंपल्स वगैरह हट जाते हैं, तो हट जाएंगे। ऐसे कैमरा पे इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं, बस मैं हाथ लगाती हूँ तो मुझे फील होते हैं कि हाँ यहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स हैं। और जिनको भी फेस वैक्स कराना है, फर्स्ट टाइम जो फेस वैक्स कराएंगे, प्लीज़ कृपा करके किसी भी ओकेजन के पहले तो मत कराइएगा। पहले एक बार ट्राई कर लेना नॉर्मल डेज में, जब आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी। एक बार करने के बाद सेकेंड टाइम नहीं आते, क्योंकि मैंने लिप्स पे भी कराया था, इस बार तो लिप्स पे तो कोई पिंपल नहीं निकले। आई थिंक फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा होता है, सेकेंड टाइम आई थिंक नहीं होता है। यहाँ पे आज बारिश हो रही है, आई थिंक कल से बारिश हो रही है यहाँ पे, आई थिंक नहीं कल से ही हो रही है, थिंकिंग का क्या, कल शाम को भी बहुत अच्छे से बारिश हुई थी, अभी भी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। मतलब ऐसे तो कोई निकलने वाला नहीं है पूजा के टाइम पे, लेकिन जितना भी रहा था किसी ने निकलना था वो भी आई थिंक बारिश देख के नहीं निकलेंगे। मैं तो नहीं निकलूंगी कहीं पे, मैं कहीं घूमने भी नहीं जाती, मुझे इतना क्रेज़ नहीं है पूजा घूमने जाने का, बट मेरी फ्रेंड के घर जाती हूँ जिनके घर में पूजा होती है, और उनके घर की पूजा की क्लिप्स मैंने डाली है वीडियो में, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से और बहुत ग्रैंड तरीके से होती है, तो उसके घर ही जाऊँगी सिर्फ मैं, और पंडाल हॉपिंग नहीं जाऊँगी मैं इस बार। मन तो था इस बार चलो जा सकती थी, लेकिन इस बार कोरोना के वजह से भी नहीं जाऊँगी और बारिश के वजह से भी नहीं जाऊँगी, कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे इतने महंगे महंगे। Oh, no.